इसको भी उबाल लेना है और उस तो आज हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपने लेने हैं जी आलू। इस तरह आलू को लेना है और उसके बाद में उबाल लेना है। उबालने के बाद आप लोग इनको ना ऊपर से इनके छिलके वगैरह ने ये उतार लें, छिलके वगैरह उतार के उसके बाद आपने लेने हैं चावल। जिस तरह हमने ये चावल लिए, आपने चावल लेने, चावलों को भी उबाल लेना है बिल्कुल। ये देखें, ये चावल हमने लिए और चावलों को बिल्कुल उबाल लिए। तो आपने गोश्त भी लेना है भाई। उसके बाद आपने लेना है गोश्त, गोश्त को भी आप इसी तरह उबाल लें। जो हड्डियां होंगी ये इस तरह से ये वाली ये चेक करो, ये देखें जी तो उबाल लेना और हड्डियों में से बस ठीक है इसे इन्हें यहाँ पर करना है। इसको भी उबाल लेना है और उसके बाद आप लोगों ने ना इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक जो मशीन होती है ग्राइंडर मशीन, आप उनमें उसमें इन तीनों चीज़ों को डालें और उसके बाद इन्हें करें ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद आपने जो गोश्त लिया था उसमें जो पानी होता है ना उस पानी को साइड पर रख लेना। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आप तीनों चीज़ों के ऊपर वो पानी डालें और इन्हें ना फ्रिज में रख दें। जब ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाए और जम जाए ना, उसके बाद आप लोगों ने ना इसको थोड़ा सा जितना आपने कैट को डालना उतना थोड़ा सा बाहर रखें, उसको थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो, गर्म हो थोड़ा सा, और फिर अपनी कैट को दें। इस तरह ये फ़ायदा होगा, इस फीड का ये फ़ायदा कि जो आप बाज़ार से लेते हैं ना उस फीड में और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वो फीड होती है जो वो गर्म होती है काफ़ी ज़्यादा, तो गर्मियों में आपकी जो कैट होती है ना उसको वो तकरीबन उसका जो मैदा है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इस फीड से आपकी कैट का कभी मैदा ख़राब नहीं होगा, वो अच्छी ग्रोथ करेगी और मैदा भी बड़ा अच्छा रहेगा उसका, तो वो सेहत में भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए आप लोग ना इस चीज़ को फॉलो करें और अपने घर में होम फीड बनाएं अपनी पर्शियन कैट के लिए, जिस तरह हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आलू ले लिए, यहाँ पर आलू को छील इसका छिलका उतार दिया है। दोस्तों तो तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये देखो, सबसे पहले ये है जी चावल जो हमने उबाले थे, ये तैयार हो चुके हैं। उसके बाद ये आलू है जी, इनके छिलके उतार लिए गए हैं और ये भी अभी रेडी हैं। और उसके बाद यहाँ पर है जी गोश्त, तो इसमें डालें। हाँ भाई, तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो तीनों को बॉयल करना है जी। आलू अभी करने लगे हैं जी मिक्स। सबसे पहले जी गोश्त डाला है, उसके बाद हम डालने वाले हैं जी आलू। तो उसके बाद आलू डालेंगे और उसके बाद इसमें एंड पे चावल डालेंगे। चावल मिक्स कर लो भाई थोड़े से, तो उसके बाद चावल मिक्स होंगे। चावल मिक्स होने के बाद ये पानी भी इनका पड़ा है, पानी के याद रखना। हाँ तो पानी भी पड़ा है, ये देखें जी, ये जो पानी बचा था जिसमें हमने पानी, हाँ जिसमें हमने अब इसमें डालेंगे हम चावल। तो अभी चावल डालेंगे जी, चावल डालो भाई। चावल तो काफ़ी गर्म है यार, हाथ ही जल गया यार। चावल किसी चीज़ से डालते हैं, चावल काफ़ी गर्म है जी, चावल काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल गया है जी। तो ये देखिए चावल अभी अभी किया है गर्म, इसलिए फिर जो अभी चावल काफ़ी गर्म है क्योंकि अभी अभी किया है। इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चावल थे जिस वजह से ना ये अभी ठंडे नहीं हुए। थोड़े से और डालो चावल, और डालो चावल, अभी इसे फुल करना है भाई। चावल से इसे फुल करते हैं और आलू भी डाल लेना चाहिए। और नहीं आलू दो बहुत है मेरे हिसाब से, बस इतना करते हैं। ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं जी मिक्स और अभी इसे करने वाले हैं ग्राइंड। अभी उसके बाद हमारी वॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है शोर इस वीडियो में, क्योंकि जब मशीन चलती है तो आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा शोर करती है। चलो भाई, हाँ जी दोस्तों, तो ये हो चुका है जी ग्राइंड। अभी हम इसे जग को निकाल कर इसमें डालेंगे और उसके बाद बाकी और बॉयल को ना ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें जी, एक जग तो हो चुका है जी ग्राइंड, तो ये जम चुका है बिल्कुल जग के अंदर।
ये पेस्ट बन चुका है, ये बन चुका है जी पेस्ट, पेस्ट रेसिपी बन चुकी है। तो ये जो गोश्त था देखें बिल्कुल कीमा हो गया। इसी तरह इसे ना छुरी की मदद से बाहर निकालो, जी दोस्तों। तो चेक करें, ये देखें जी, हमने सारी चीज़ों को रेसिपियों को सारी को मिक्स कर लिया। उसके बाद ब्रीक करने के बाद हमने कुछ गोश्त इसमें ब्रीक करके थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना मिक्स कर दिया, ताकि ना उनको पता चल सके कि इसमें गोश्त भी है। तो थोड़ा थोड़ा ना इस तरह मिक्स कर दो, ताकि हड्डियाँ वगैरह भी इसी में मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद यखनी जो होती है वो इसके ऊपर डाल देनी है। अब हम इसे डालेंगे एक बर्तन में, एक बर्तन में डालो इसे, तब इस सारी को एक बर्तन में डालेंगे। इसमें हड्डियाँ मिक्स कर लो, फिर बाद में नहीं होनी। हाँ, इसी तरह कर ले, यही मिक्स करके फिर अंदर रखें। ये देखें जी हड्डियाँ वगैरह मिक्स कर रहे हैं इसमें, ये जो हमने गोश्त डाली थी वही है दूसरी, तो ठीक है। हाँ, इसमें पानी भी मिक्स कर लो, वहाँ वो एंड पे डाल देंगे ऊपर। तो ये देखें जी हड्डियाँ वगैरह जब डालेंगे इसमें, हड्डियाँ वगैरह डालेंगे तो हड्डियों के ऊपर ये बिल्कुल ना चिमड़ जाएगा। तो इस तरह ये एक ना रेसिपी बन जाएगी इनके लिए ना खाने के लिए। तो ये देखें जी अभी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी इसे ना सारे एक बर्तन में डाल के फ्रिज वगैरह में आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा करके इन्हें खिला सकते हैं, रोज़ के दो चार चम्मच आप इन्हें दो टाइम डालें। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, इनका मैदा कभी नहीं ख़राब होगा। उसके बाद आपको ना रोज़ ये बाज़ार से इनके लिए गोश्त ले कराने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई और फीड के लिए गोश्त और कोई भी फीड इनके लिए, उसके लिए ये चीज़ ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी सारी रेसिपी क्लोज करके इसमें डाल दिए, ऊपर डालेंगे यखनी, इसके बाद एंड पे डालेंगे यखनी। यखनी हमारे पास इसकी पड़ी है, टेंशन वाली बात नहीं है, वो जाएगी इसमें जान, उससे आ जाएगा इसमें टेस्ट। अब यहाँ पर आ गई यखनी। तो यखनी इसमें मेरे ख्याल से कर ले सारी करके ऊपर डाल दे इसके, ये ना इसमें इसमें यखनी डाल के ये सारा चीज़ ना मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद उसके ऊपर डाल दिया जाए। इसी तरह ये इधर रखो। तो ये देखें जी यखनी करेंगे हम यहाँ पर मिक्स। तो ये है जी गोश्त जिसमें हमने गोश्त उबाला था, ये वो वाली यखनी है। तो इसे आपने ज़ाया नहीं करना है, इसमें ये लास्ट में आपने ज़रूर ऊपर डालनी है इसमें, ताकि इसमें ना टेस्ट होता है जो गोश्त को हम उबालते हैं ना, तो उसका जायका ना वो सारा इसी में होता है। तो ये आपने लास्ट में उसके ऊपर डालना है, ताकि वो ख़राब नहीं होगा। जब ये जायका आप डालेंगे तो वो ख़राब भी नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा है। अब ये टेस्ट है उसका, तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इस पानी को साइड पर रखना है। तब इस पानी को भी हम डालेंगे जी इसमें बर्तन में। ये देखें जी एक मुकम्मल रेसिपी तैयार हो चुकी है। अभी आस्ता आस्ता ये साफ कर लो बाकी भी, अभी आस्ता आस्ता सारा इसमें समा जाएगा एक दिन में। इसे हम रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे।